गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन हिंदी का सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं। उसका नाम है प्रकृति की सोलह। इस कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं, जो स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की भावनाओं के प्रतिनिधि कवि हैं। आपने ब्रज और खड़ी भाषा, खड़ी बोली दोनों में ही कविता लिखते रहे हैं। प्रकृति वर्णन में आपकी स्वच्छंद प्रतिभा के दर्शन किए जा सकते हैं। प्रस्तुत कविता उनके प्रकृति वर्णन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अपन दो दो लाइन पढ़ेंगे और उसे का मीन्स बताएंगे। सबसे पहले अपन को दिया है, ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुगराई को। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रकृति को ध्यान से देखेंगे, तभी हम प्रकृति की सुंदर रचना को देख पाएंगे। बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। कण कण में ईश्वर की चतुराई, मतलब ईश्वर की रचना की गई है। उसे हम हर जगह, मतलब बात बात में, कण कण में हम ईश्वर ने जो रचना की है अपने द्वारा, उसे हम प्रकृति में देखने को मिलेगा। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, इस प्रकृति में तरह तरह के पक्षी हैं, फूल हैं। यह वन की लहरी लता, वह नवकली शोभा की मूल। इस प्रकृति में लहराती लता हैं, वन हैं, फूल हैं, उनकी नवकली मतलब नई कली, जो नई कली है वो भी प्रकृति की शोभा को बढ़ाती है। ये नदियों के झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गुंज। जो नदियों के झील सरोवर हैं उन पर जो कमलों के भौर, मतलब भौरे जो होते हैं, उनकी गूंज भी दिखाई देती है। बड़े सुरीले बोलों से ये गूंज रही बेलों की गूंज, मतलब बहुत सुरीले मीठे सुरों की बोलों से यहाँ बेलों पर गूंज रही है, इनकी गूंज रही है। यह पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा सहित चढ़ाव उतार। यहाँ पर्वत की चोटियों की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जो इनकी चोटियाँ हैं उनमें उतार चढ़ाव बना रहता है। निर्मल जल के झरने झरते, सीमा रहित महाविस्तार। निर्मल जल मतलब स्वच्छ पानी जो है, जो झरना है वह बह रहा है, और जो बह रहा है वो अनंत है, महाविस्तार है उसका। हर प्रकार की ऋतु का आना, नित नवीन शोभा के संग। प्रकृति में तीन ऋतु होती हैं, और जब भी कोई ऋतु आती है उसका अपरंपार ही है। वह ऋतु अपने आप में शोभा बढ़ाती है। पाकर समय वनस्पति, फलना रूप बदलना रंग बिरंगे। यह ऋतु वनस्पति अलग ही तरह की फलती हैं, जिससे प्रकृति का रंग बदलता प्रतीत होता है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात। सूर्य और चंद्रमा अपने आप में ही अद्भुत हैं। सूर्य निकलता है तो दिन होता है, चंद्रमा निकलता है तो रात होती है। त्यों अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का घाट। बहुत सारे अनंत, मतलब बहुत सारे अनंत तारा मंडलों से सज जाना रजनी का घाट, मतलब जो गात माने होता है शरीर, मतलब रात की चांदनी सज जाती है। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया, जो जल में विस्तार। जो समुद्र का पृथ्वी तल पर, जो समुद्र है ना, उसका पृथ्वी तल पर जो जल में, मतलब पानी जल में विस्तार, मतलब उसका विस्तार फैला हुआ है बहुत दूर तक। उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। उसमें से भी मेघों के मंडल, मतलब बादलों के मंडल उत्पन्न होते हैं। कितने कैसे होते हैं? अनंत और अपार, मतलब जिनकी गिनती नहीं है कुछ भी। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार। गर्ज तरज से घन मंडल, मतलब बादलों से जो वर्षा होती है, बिजली होती है, उसका संचार। सबने देखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अत्वम पार। सबने देखा है कि परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरम पार है। अब आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। सुगराई का मतलब यहाँ पे दो दिया है, सुखड़पन या सुंदरता। दूसरा आपको दिया है गुंज। गुंज माने होता है गुंजन।
नेक्स्ट दिया है कुंज, कुंज माने लता या झाड़ियों से घिरा हुआ मंडल। रम्य माने होता है सुंदर। अनंत माने जिसका अंत ना हो। रजनी माने रात। गात माने शरीर। मंडल माने समूह है समूह। अपरंपार माने जिसका पार ना हो, मतलब अपार। मौखित दिए हैं, शुद्ध उच्चारण करो हमारे साथ, आप लोग भी पढ़िए। सुगराई, शोभा, शिखाएं, निर्मल, वनस्पति, अद्भुत, परमेश्वर, अपरंपार। सोचो और बताइए। लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सबसे पहले दिया है इस जग की सुकड़ता के पीछे किसकी चतुराई छिपी हुई है। किसकी चतुराई छिपी हुई है? ईश्वर की। दूसरा है कमलों पर किसका गुंजन सुनाई देता है? भौरों का। किसका गुंजन सुनाई देता है? भौरों का। मेघों के मंडल कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र में। मेघों के मंडल कहाँ उत्पन्न होते हैं? समुद्र में। अब आपको अति लघु प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग भी देखते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है फूल किन रंगों के होते हैं? फूल किन रंगों के होते हैं? तो इसमें आंसर होगा इसका, फूल कई रंगों के होते हैं। फूल सारे रंगों के होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा लाल पीला, लाल पीला, ऑरेंज, मतलब सभी कलर के होते हैं, इसलिए हमने लिखा है फूल सभी रंग के, कई रंगों के होते हैं। दूसरा है रजनी का शरीर किससे सज जाता है? तो इसका आंसर रजनी का शरीर अनेक तारामंडल से सज जाता है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, पर्वत की चोटियां कैसी दिखाई देती हैं? तो पर्वत की चोटियां सुंदर तथा उतार चढ़ाव वाली दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है हर ऋतु क्या लेकर आती है? तो हर ऋतु प्रकृति में नई शोभा लेकर आती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका ईश्वर की चतुराई किन बातों में दिखाई देती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ईश्वर की चतुराई हमें पक्षियों में, फूलों में, लता में, वन में, पर्वत में, नदियों में, झीलों में और अनेक बातों में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएँ बदलने का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋतुओं के बदलने पर वनस्पति फलती फूलती हैं, अर्थात पेड़ों में फल आना, सब्जियां आना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू।